ये आज आम आदमी पार्टी जो है चंदा मांगने की मुहिम कर रही है। इस देश का नागरिक सेल टैक्स भरता है, सर्विस टैक्स भरता है, इनकम टैक्स भरता है, रोड टैक्स भरता है, उसके बावजूद भी चंदा दे तो आम आदमी क्या है उसका थोड़ा बताएं। देखिए, जो ये जो चंदा देने वाली जो ये मांगने की मांगने मुहिम की जो कार्रवाई है, मांगने की ये जो इन्होंने घोषणा की है, इसमें कुछ घोटाला कुछ दिख रहा है हमें। और ऐसा नहीं है, इसके ऊपर लोगों की नज़र है, क्योंकि इन्होंने कहा फार्म भर के कोई 10,000 दे, 5,000 दे, कुछ दे। तो पहली बात तो इतने क्रांतिकारी हुए नहीं है कि लोग रूलिंग पार्टी को, जो बड़ी बीजेपी कांग्रेस है, उनको भी इस तरह से उनके कार्यकर्ता भी नहीं देते। तो ये जो कुछ दिनों में, पिछले 3 साल में जो दिल्ली सरकार ने ये सब चीज़ें हुई हैं, स्कूलों के लिए इतना 11,000 करोड़ का पहला बजट था, वो पैसा कहाँ चला गया। दवाइयों को सेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने, दवाइयाँ पहले दिल्ली सरकार में दवाइयाँ मिलती थी, अपने हॉस्पिटल्स अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी कमेटियाँ होती थी, वो दवाइयों का ऑर्डर देते थे। इन्होंने आकर के सबसे पहले दवाइयों को सेंट्रलाइज किया यहाँ पर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, यहाँ पर आईटीओ पर। इन्होंने वहाँ पर एक आदमी बिठा दिया, और वो भी वो डॉक्टर बिठाया जो सबसे भ्रष्ट है, जिसके खिलाफ मैंने भी व्यक्तिगत, मैंने भी एक महिला के उत्पीड़न और उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन लगाई थी, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसी डॉक्टर को इन्होंने चीफ बना के बनाया। सेंट्रलाइज दवाइयों पे आपको पता है कितना घोटाला होता है, उसके ऊपर 1% भी, हजारों करोड़ की दवाइयां आती हैं, 1% भी उसमें कमीशन जाए तो कहां जाता है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जो पैसा इधर उधर से वो हो गया है, उसको उसके जरिए से वाइट करने का मामला है। तो मैं मांग करूंगा अपनी जो जो सीबीआई है, सीआईडी है, जो भी आर्थिक अपराध शाखा है, उस पर नजर रखें कि और कौन कौन लोग इनको पैसा दे रहे हैं, उनको पैसा आ कहां से रहा है, वो पैसा अपनी कमाई में से दे रहे हैं, वो पैसा कौन से कार्यकर्ता ऐसे आ गए जो क्रांतिकारी, जो अपने 50,000 कमाएंगे तो 10,000 रुपया इनको दे देंगे, ऐसा कौन सा इन्होंने राष्ट्रभक्ति का काम कर दिया, बड़ा परिवर्तन कर दिया। दिल्ली में जमुना मैया रो रही हैं, वहां पर पूरा नाले का पानी बह रहा है, वो इन्होंने कहा था कि हम 25 दिन के अंदर की 35 दिन के अंदर अंदर उसको सफाई कर देंगे, वो सारे स्टेटमेंट मेरे पास है। वो क्या हो गया, वो नाले कहाँ, अभी भी वो नाला बना पड़ा है, बारिश आए तो साफ हो जाता, नहीं तो नाला बना पड़ा है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें गौर करने की बात है। और एक भी आदमी जेल नहीं गया, एक आदमी शीला दीक्षित से लेकर के अरुण जेटली तक, उल्टे उन्होंने शीला दीक्षित को तो उन्होंने तो किया नहीं केस, बाकी जो उन्होंने किया केस, अरुण जेटली ने माफी मांग मांग करके पैर हाथ पैर जोड़ जोड़ करके इन्होंने कहा जी हमें काम करना है इसलिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। अरे भैया, यहां तुमने जो कहे थे वो कागज दिखाए थे कि DDCA में उसने जो घोटाले किए हैं, वो कागज कहां चले गए, वो शीला दीक्षित के वो घोटाले कागज कहाँ चले गए, कि कॉमनवेल्थ और वो बिजली घोटाले कहाँ चले गए वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। दिल्ली की जनता को इस बात को समझना चाहिए। खास तौर पे मेरी अपील तो बहुजनों से भैया, कि दिल्ली में जो 27% बहुजन है वो इस बात को समझें, और उनकी, मैं कह रहा हूँ, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भीमास्त्र दिया है आपको वोट का अधिकार, इस बार चला दो और खुद मुख्यमंत्री बन के बैठ जाओ और खुद अपने बजट पास करो, अपने लिए काम करो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आपको गुमराह करते रहेंगे, ये आपको वोट देने के लिए तो आपके घर तक लेने के लिए आपके घर तक आते रहेंगे, मगर आपको जब पिटेंगे आप वहां पर साफ जट में, जब आपको जाट पीटेंगे, ऊंची जातियों के वाल्मीकि समाज को पीटेंगे, तो ना केजरीवाल का स्टेटमेंट आएगा, ना अरुण जेटली का स्टेटमेंट आएगा, ना अमित शाह का आएगा, ना मनोज तिवारी का आएगा, ना राहुल गांधी का आएगा। आज 5 दिन हो गए वहां पर पिटे हुए और वहां बुरी हालत है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए। शाहपुर जट में जो दिल्ली की घटना हुई है, वाल्मीकि समाज को पीटा, वो लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो लड़का बने हैं, तो उसको देख करके कि भाई ये पढ़ लिख के ऊपर क्यों जा रहे हैं, ये तो हमारे लिए झाड़ू मारते थे, ये हमारे लिए तो गुलामी करते थे, अब ये हमारे सर पे बैठेंगे, इस जाति भावना से उनको पीटा जा रहा है, और कोई किसी का स्टेटमेंट नहीं है, और वोट हमारा है, और जब वोट हमारा होता तो हमारे घरों में चाय पी लेते हैं, हम बड़े गदगद हो जाते हैं, और ये केजरीवाल साहब या शीला दीक्षित जी या राहुल गांधी जी चाय पी गए या खाना खा गए, हमें बिल्कुल उसका इतना हम चूर हो जाते हैं घमंड में कि पता नहीं कौन कौन सी शक्ति आ गई कि जब हो गया। तो इसलिए मैं हमारा कैंपेन ये है दिल्ली में कि भैया आपकी बार 2020 में अपना मुख्यमंत्री बना लो, दलित मुख्यमंत्री, बहुजन सरकार, और हमने कहा बहुजनों बढ़ो सत्ता की ओर। और 2019 में पहले हम दिल्ली मिशन दिल्ली फतेह हमने रखा है, 7 सीटों पे हम चुनौती देंगे, और अब की बार हम 7 सीटों पे चुनौती देके 7 सीटें जीतेंगे, और हम जितनी बहुजन शक्ति है सबको एक करेंगे, चाहे हाथ पर हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, तमाम बहुजनों को कहेंगे भैया अब आ जाओ और अब दिल्ली जीत लो, दिल्ली फतेह कर लो, भारत फतेह हम कर लेंगे। धन्यवाद।